वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे। किसी खास टाइप के एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो क्या कहलाता है? बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पार्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन गैसियस स्टेज इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या हुआ? तो जैसे वन मोल N2 को तोड़ दिए और दो एटम नाइट्रोजन का बन गया, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी, जैसे इसमें एनर्जी लगती है आपको 946 किलो जूल। तो ये नाइट्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 के बदले में हम यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N है। तो ये दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको हमने तोड़ दिया, और तोड़ करके क्या बना दिया, इस N2 को तोड़ के दो N गैसियस बना दिया। तो इसमें एनर्जी कितनी लगी? 946 किलो जूल। तो N2 का बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। क्या हुआ? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही 946 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए है ना, पर मोल हो जाता है। अब अगर ये सिंगल दो एटम का ही था, एक ही टाइप का, अगर ऐसा रहे, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम जुटे हुए हैं ऐसे। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको तोड़ेंगे तो एक ही बार में दोनों अगर तोड़ेंगे तो ये तो दो बॉन्ड है ना, दोनों की एनर्जी अलग अलग रहेगी। तो उस केस में हम लोग एवरेज निकालते हैं। जैसे इसको पहली बार में तोड़िएगा तो एक हाइड्रोजन टूट गया, तो एक हाइड्रोजन तोड़ने के लिए यहां पर जैसे बन गया एक एच गैस, ये भी एच टू ओ गैस ही लेते हैं, और प्लस में ओ एच अभी बचा हुआ है। ओके, ये भी गैसियस रहेगा, सारा का सारा यहां पे जो भी है ये भी आपको गैसियस है, ये भी गैसियस स्टेज में लेंगे, प्लस है बीच में। ओके, और यहां वाटर भी गैसियस स्टेज में है। तो यहां पे जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी आपकी हो जाएगी 502। ये याद करने की नहीं जरूरत है आपको, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, यहां 502 किलो जूल लगा। फिर ओएच को भी तोड़ना होगा, तो सेकेंड स्टेप में हमारा OH जो है, OH बॉन्ड, ये भी टूट जाएगा, और ये टूट करके क्या दे देगा, फिर दूसरा है वो H गैस दिया और O दे दिया, यानी कि यहां पे क्या बन गया, H गैस और O गैस, यहां OH गैस ही था। इसके लिए एनर्जी आपको लग जाएगा 427 किलो जूल। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं आप H2O के दो OH बॉन्ड को तोड़ने में पहली बार 502 लगा और दूसरी बार में 527 लगा, तो दोनों बार में दो तरह का एनर्जी लग रहा है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है कि दोनों का एवरेज निकालना पड़ता है, क्योंकि अब क्या कहेंगे हम, OH बॉन्ड तो दोनों OH बॉन्ड ही है, तो एवरेज हो जाएगा। अगर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH कहेंगे, यहां पर हम लिख रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, O और H बॉन्ड, ये खास टाइप का बॉन्ड हुआ, इसका बॉन्ड एंथैल्पी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 502 प्लस 427, अब बाय आ जाएगा 2, दोनों के जोड़ करके आप बाई टू कर दिए, तीन ऐसा रहता है तो तीनों के एनर्जी को जोड़ के आप बाई थ्री कर देते, तो इसका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 929 बाई टू, यानी कि 465.5 किलो जूल पर मोल। देख लीजिए यहां पे जैसे ही दो सेम टाइप का बॉन्ड हो गया तो दोनों बॉन्ड को तोड़े तो दो मोल टूट गया ना, तो दोनों की एनर्जी को जोड़ दिए, अब बाय टू कर दिए, तो इस तरह से हमारा निकल गया क्या, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH।
ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी एंथैल्पी कम होती है, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड की होती है, उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है। और किस किस एटम के बीच में है उस पर भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा या कम होगा। नाइट्रोजन N2 का बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। N2 का बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलो जूल पर मोल होता है। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।